गोइंग टू स्टार्ट विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.4 महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th एंड इन दिस टॉपिक इज अप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अप्लीकेशन ऑफ एपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन फर्स्ट जैन सानिका डिसाइड टू सेव 10 रुपीज एंड 11 रुपीज ऑन सेकेंड डे, 11 रुपीज ऑन सेकेंड डे, 12 रुपीज ऑन थर्ड डे। इफ सी डिसाइड टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। हमें क्या दिया है, अब जो सानी क्या है, ठीक है, उसने क्या किया, डिसाइड किया, सी डिसाइडेड टू सेव 10 रुपीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जैन, 11 रुपीज ऑन सेकेंड डे ऑफ जैन एंड 12 रुपीज ऑन थर्ड डे ऑफ जैन 2016। लाइकवाइज ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, उसका जो टोटल सेविंग है 31st December को कितना हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट डे ऑफ सेविंग, सेविंग ऑफ सानिका, सानिका इज इक्वल टू रुपीज़ 10। सेकेंड, यहाँ पे डे नहीं लिखा था, सेकेंड, फर्स्ट डे ऑफ, यहाँ पे सेकेंड डे ऑफ सेविंग ऑफ सानिका इज इक्वल टू ₹11। थर्ड डे ऑफ सेविंग ऑफ सानिका इज इक्वल टू ₹12, ठीक है। एज वी कैन कंसिडर दैट, अब ये हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो गिवन सीक्वेंस है, अब देखो 10 दिख रहा है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, ठीक है। मतलब 10 है उसको मैं T1 लिख सकता हूँ, ये T2 लिख सकते हैं और ये T3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस दिख रहा है हमें AP में दिख रहा है, ठीक है, मतलब आई कैन राइट एज फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज T से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू T2, व्हाट इज T2, 11 माइनस T1 10, 11 माइनस 10 क्या बचेगा, D इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें यहाँ से A भी पता चल गया, दैट इज़ ये A हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, और D भी पता चल गया, ठीक है। और हमें क्या देखो 31st December 2016, ठीक है, 2016 ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है, ठीक है। अगर लीप ईयर है, देखो यहाँ से 2016 जो है, यहाँ से देखो 2016 जो है वो क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर में हमें पता है कितने डेज होते हैं, 366 डेज, ठीक है। अब लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है, डिविजिबल होता है, मतलब हमें पता है एक वन ईयर में क्या होता है, 365 डेज 6 आवर्स होता है, ठीक है। अब ये हर एक 4 साल के बाद ये जो रहता है 6 आवर्स, वो क्या होता है, आफ्टर हर एक 4 साल के बाद उसमें क्या होता है, कंसीडर होता है। इसके लिए जो लीप ईयर में क्या होता है, 1 डेज एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, 365 प्लस 1 हो जाता है, मतलब 366 डेज होता है, ठीक है, कौन से ईयर में, लीप ईयर में, ठीक है। अब देखो 2016 है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है, मीन्स ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, एन इज इक्वल टू 366 और ए का जो वैल्यू हमें मिला कितना मिला, 10, और कॉमन डिफरेंस डी जो मिला वो कितना मिला है, 1, ठीक है। फिर मैं टोटल फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
SN इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट। अब हमें टोटल फाइंड करना है। टोटल फाइंड करना मीन्स हमें SN का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सम ऑफ nth टर्म। SN इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इन टू डी। अब देखो S 366 इज इक्वल टू 366 बाई टू इन ब्रैकेट 2 इन टू ए, क्या वैल्यू कितना 10 10 प्लस 366 माइनस 1 इन टू डी कितना है 1। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 जा ये 1 जा 2 8 जा 16 और 3 जा 183 इन ब्रैकेट 10 टू जा 20 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 365 प्लस 20 कितना हो जाएगा 5, 6 प्लस 2 8 और 3। यहाँ पे क्या करेंगे 183 इंटू क्या लिखोगे 385। अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करोगे 183 इंटू 385। हमें मल्टीप्लाई करना 183 इंटू 385। देखो मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 183 और इंटू 385 मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जो 15 1 कैरी 5 8 जो 40 प्लस 1 41 5 प्लस 4 9 8 3 जो 24 2 8 8 जो 64 प्लस 2 66 6 कैरी 8 1 जो 8 प्लस 6 14 3 3 जो 9 8 3 जो 24 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5 यहाँ पे लिखेंगे 5 9 प्लस 9 18 18 प्लस 2 20 और प्लस 4 24 2 कैरी 8 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी 5 प्लस 2 7। आंसर कितना मिलेगा 7 0 4 5 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेविंग ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेविंग ऑफ सानिका इन द ईयर 2016 इज कितना रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है 70455। ठीक है, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अमैन बोरोज रुपीज 8000 एंड एग्री टू रिपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1360। अब एक मैन था, ठीक है, उसने क्या किया, किधर से बैंक से या किधर से तो बोरो किया रहेगा, कितना रुपीज 8000। ठीक है, अब उसके बाद उसने एंड ही एग्री टू रिपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 रुपीज इन 12 मंथली, मतलब 12 महीने में वो क्या किया करना 8000 लिया। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ 1360 रुपीज इंटरेस्ट के साथ 12 मंथ में उसने क्या किया, देने का वादा किया। ठीक है, अब वो रिपे करने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, इच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग 530। अगर हर एक इंस्टॉलमेंट क्या था, अगर आज क्या किया 140 रुपीस पे किया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा 100 रुपीस पे करेगा, उसके नेक्स्ट टाइम में 60 रुपीस, मतलब हर एक जो इंस्टॉलमेंट था वो क्या था 40 से कम था। क्लियर, हर एक इंस्टॉलमेंट क्या था 40 से कम। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए दिया है 140। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो फिर कुछ और मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो टोटल अमाउंट रीपेड कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट रीपेड लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट रीपेड बाय मैन इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले 8000 तो उसने बोरो किया था, 8000 बोरो किया था। ठीक है, साथ में इंटरेस्ट
तो वह इंटरेस्ट भी तो वही पे करेगा ना। तो फिर इंटरेस्ट कितना है 1360 का, 1360 ऐड कर लेते हैं 18,000 प्लस 1360 कितना मिलेगा 0, 6, 3 और 9। टोटल जो रहेगा कितना हो जाएगा 9, 3, 6, 0, ये क्या रहेगा SN, ठीक है। SN इज इक्वल टू 9, 6, 0, 9, 3, 0, 6, 9। अब ये जो टोटल अमाउंट रहेगा क्या रहेगा 9, 3, 6, 0, ये रुपीज़ रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या दिया है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस स्पेलिंग INS इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 12, ठीक है। उसने क्या कितने महीने में पे करनी है 12 में, ठीक है। मतलब ये N इज इक्वल टू, मैं 12 लिख सकता हूँ ना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसके बाद और क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, हाँ डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, देखो इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रेसीडिंग बाय 40, हर एक इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है 40 से कम हो रहा है, ठीक है। 40 से कम हो रहा है मतलब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 40, D इज इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, क्या करोगे SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। SN का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, SN इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये SN का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो SN हमें दिया है सम, टोटल दिया है ना 9, 3, 6, 0 लिख लेंगे, ठीक है। n दिया हमें 12 अपॉन 2 इन ब्रैकेट a, a कितना हो जाएगा 2a, हमें नहीं पता तो 2a लिखते हैं, लेकिन n का वैल्यू हमें पता है, n कितना है, n है 12 माइनस 1 और d का वैल्यू पता है कितना माइनस 40, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये फिर से लिख लेता हूँ, ये फिर से लिख लेता हूँ, क्या ये क्या आएगा 9, 3, 6, 0 इज इक्वल टू 12 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू करना, सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं ये 2 1 2 6 12, यहाँ पे लिखेंगे 9, 3, 6, 0 इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट 12a प्लस 12 माइनस सॉरी 2a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू माइनस 40। आगे ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड यानी कि वो डिवाइड हो जाएगा 9, 3, 6, 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 11 फोर जो 44 और 0 रहेगा, ठीक है। 40 इंटू 11 करेंगे माइनस आ गया, आगे इसको डिवाइड कर लेते 2 वन जो हो जाएगा, ये कितना 6 वन जो 6 कितना बच गया 3 है ना, और 33 हो गया, 6 5 जो 30 फिर कितना बच गया 33 था, ये 36 हो जाएगा, 6 6 जो 36 और 0 15 6 0। अब ये नहीं समझा, देखो डिवाइड करके बताता हूँ, क्या ये 9, 3, 6, 0 हमें क्या करना डिवाइड करना, कितना से 6 से, देखो 6 1 जो 6 6, 9 माइनस 6 3 नीचे आ जाएगा 33, 6 5 जो 30 माइनस 0 3 फिर से 6 6 6 जो 36 यहाँ पे और 0 बच गया तो कितना गया ये 1560 यहाँ पे लिखा है। आगे देखो अब इज इक्वल टू 2a माइनस 440, ये माइनस है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। अब देखो 1560 प्लस हमें क्या करना है 440 ऐड करना है, 0 0 0 6 प्लस 4 10 0 1 कैरी 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 0 और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब 2000 आ गया, 2000 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब हमें क्या करना है डिवाइड करना 2a 2000 अपॉन 2a है ना, 2 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू a लिख लिया, ये 1 और ये
थाउजेंड, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, मतलब हमें फर्स्ट टाइम मिल गया, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा कितना रहेगा 1000 का, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है, मतलब टी 12 फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इससे हमें ए भी पता है और डी भी पता है ना, -40, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट रहेगा, 12th इंस्टॉलमेंट वो फाइंड कर सकते हैं। टी एन के फॉर्मूला से टी एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, टी 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे एन लिख लेता हूँ, टी एन का फॉर्मूला लिखे, ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी 12 इज इक्वल टू ए कितना है 1000 प्लस एन कितना है 12 माइनस वन इंटू डी कितना है -40, लिख लो यहाँ से, क्या लिखोगे 1000 प्लस 12 माइनस वन 11 और इंटू, ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, -40, देखो 1000 माइनस 11 फोर जो 44, 11 फोर जो होता है 44 और एक जीरो था तो हो जाएगा 440, यहाँ पे देखो और आगे लिखता हूँ, लिखेंगे टी 12 इज इक्वल टू 1000 माइनस 440 आया था, ठीक है, टी 12 इज इक्वल टू 1000 माइनस 440 करेंगे तो आ जाएगा 560, ठीक है, माइनस कर लेते हैं 1000 माइनस 440, ज़ीरो हो गया, यहाँ पे कितना 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, ये 9 माइनस 4 5, टी 12 इज इक्वल टू क्या मिला 560, ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड बाय रीपेड बाय मैन इज इक्वल टू 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 560, यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे, यहाँ पे भी रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। इसके बाद आता है, सचिन इन्वेस्टेड 5000 फॉर फर्स्ट ईयर, 7000 फॉर सेकेंड ईयर एंड 9000 फॉर थर्ड ईयर इन नेशनल सर्टिफिकेट स्कीम, हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, ठीक है, कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, 12 साल के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 5000, ठीक है, ये 5 है, 5000 रुपीज़ है, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर रुपीज़ 7000, सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर के लिए रुपीज़ 9000, ठीक है, मतलब ये टी एन के फॉर्म में दिख रहा है, तो फिर सीक्वेंस क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ ए पी क्या रहेगा, 5000, उसके बाद 7000, उसके बाद 5000 लिख लिया, 7000 लिख लिया, उसके बाद आ जाएगा 9000, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये जो रहेगा ये T1, T2, T3, क्लियर। अब हमें क्या करना है, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 5000, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी दैट इज डी इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000 दैट इज 2000 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिए, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिए, इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया 12, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच
हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना मिला 5000, डी इज इक्वल टू 2000 और एन इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, टोटल सम फाइंड करना है। तो फिर क्या करोगे, एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लिखता हूँ, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इन टू डी। एस एन मतलब यहाँ से एस 12 फाइंड करेंगे, एन कितना है 12 है, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे 12 बाई टू इन ब्रैकेट टू इन टू ए कितना आ जाएगा 5000 प्लस एन कितना है 12 माइनस वन इन टू डी 12, डी कितना है 2000 है। ठीक है, डी कितना है 2000। आगे सॉल्व करते हैं, टू वन जा टू सिक्स जा 12, यहाँ पे लिखेंगे 6 इन टू 5 टू जा कितना 10000 आ जाएगा, 5000 इन टू टू 10000 प्लस इन ब्रैकेट 12 माइनस वन 11 इन टू 2000। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखो 6 इन ब्रैकेट क्या है ये 10000 है प्लस 11 टू जा 22 और 1000 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 6 इन ब्रैकेट 22 प्लस 10 क्या हो जाएगा 22 प्लस 10 32000 मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू जा 12 1 6 3 जा 18 प्लस 1 19 और 1000 आ जाएगा। ठीक है, इतना वो क्या करेगा, उस टोटल जो मनी रहेगा वो सेव करेगा, कितना रुपीज़ 1,92,000। ठीक है, लिखते हैं सचिन लिखेंगे, देयर फोर सचिन इन्वेस्टेड रुपीज़ 192,000 इन 12 ईयर्स, 12 साल में वो क्या करेगा, इतना ही जो मनी है वो सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, सेव नहीं करेगा, इन्वेस्ट करेगा। फोर, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स, देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट इन सेकेंड रो, 24 सीट इन थर्ड रो एंड सो ऑन। अब देखो ऑडिटोरियम में कितने रोज है, 27 रोज ऑफ सीट्स है। ठीक है, ये हम याद रखना है, और क्या है याद नहीं, हम ध्यान में रखना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर यूज़ करेंगे उसका। अब देखो फर्स्ट रोज है उसमें कितना है 20 सीट्स हैं। ठीक है, सेकेंड रोज में रो है उसमें 22 सीट और थर्ड रो है उसमें 24 सीट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो, 15th रो में कितने सीट्स है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ सीट्स इन सेकेंड रो इज इक्वल टू 22 और थर्ड रो में कितना रहेगा, नंबर ऑफ सीट इन थर्ड रो लिख लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, थर्ड रो इज इक्वल टू 24। ठीक है, फिर रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ एपी क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ एपी, एपी का जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या 20 रहेगा कॉमा 22 कॉमा 24 एंड सो ऑन। T1 क्या होगा 20, T2 22 एंड T3 इज 24। ठीक है, यहाँ से T1 है मतलब A इज इक्वल टू क्या लिखोगे 20, फिर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, दैट इज कॉमन डिफरेंस मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या लिखोगे T2 माइनस T1, दैट इज D इज इक्वल टू
22 माइनस 20, और 22 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, मतलब हमें ए और डी मिल गया। ठीक है, और फिर क्या फाइंड करना है, और आगे क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो। ठीक है, फिर लिखेंगे एन इज इक्वल टू 15। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो फाइंड करना है। यहाँ से ए का वैल्यू हमें कितना मिला, 20, और डी इज इक्वल टू कितना मिला है, 2। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। फिर यहाँ से क्या करोगे, टी एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर फाइंड करना है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू टी। टी 15 इज इक्वल टू ए, ए कितना, 20, 20 इन ब्रैकेट 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2। आगे सॉल्व करेंगे, टी 15 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 प्लस इन ब्रैकेट 20 माइनस 1, सॉरी 15 माइनस 1 इज 14 इन टू 2। यहाँ से लिख लेंगे, टी 15 इज इक्वल टू 20 प्लस 14 टू ज़ा 28। आगे और सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, टी 15 इज इक्वल टू 20 प्लस 28 इज 48। लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इज, देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इज कितना, 48। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम। हियर ए इज इक्वल टू 20, फर्स्ट रो में जो है सीट्स, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया ए इज इक्वल टू 20, एंड कॉमन डिफरेंस डी इज 22। ए इज इक्वल टू 20 एंड डी इज इक्वल टू 2। हाँ, देयर आर 27 रोज इन रोज ऑफ सीट्स। ठीक है, 27 रोज ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ से मुझे एन कितना मिलेगा, नंबर ऑफ रोज इज 27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल फाइंड करना है ना, तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एन 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 का वैल्यू कितना है, और एन कितना फाइंड करना है, एस एन कितना, 27 है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे एस 27 इज इक्वल टू 27 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a, व्हाट इज ए, इज 20, 2 इंटू 20 प्लस एन इज 27 माइनस 1 इंटू डी इज 2। आगे सॉल्व करते हैं, 27 अपॉन 2 इंटू 22 जो 40 प्लस 26 इंटू 2। आगे और सॉल्व करेंगे, 27 बाई 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 26 टू ज़ा 50, 6 टू ज़ा 12, और 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5 60, सॉरी 52। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अब 27 बाई 2 इन टू 2, 5 प्लस 4 9, डिवाइड कर लो 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा, लिखेंगे 27 इंटू 46। लिखो यहाँ पे 27 और 46 को मल्टीप्लाई करो, 7 6 से 42 4, 6 टू जो 12 प्लस 4 16, 6 4 7 4 जो 28 2, 4 टू जो 8 प्लस 2 10, 2 8 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1। टोटल नंबर ऑफ क्या आएगा, सीट्स कितना रहेगा, 2 1 2 4 2 1 2 4 2। लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम इज 1 2 4 2।